और इसी तरह ये कि हमें ओवरऑल हमारे अंदर से रिस्पेक्ट ख़त्म हो रही है, बड़ों की हो चाहे वो किसी भी रिलेशन में हो, हम छोटों में इतनी अना आ रही, हमें लग रहा है कि हम अकले कुल हो गए हैं, अब हमें हमसे ज़्यादा किसी को अकल नहीं है, हम बहस करते हैं बड़ों से। तो हम बच्चों को अपनी जगह ख्याल करने की ज़रूरत है और बड़ों को अपनी जगह ख्याल करने की ज़रूरत है। तो हमारे प्यारे रसूल का यही फरमान था कि छोटों पर शफ़क़त करो, ठीक है, और बड़ों की इज़्ज़त करो, ठीक है जी। और हमें बाकियों को उनके हकूक़ याद दिलाने से पहले हमें चाहिए कि हमारे क्या फ़राइज़ हैं, हम ब्लेम करते हैं हुकूमत को, हम ब्लेम करें इमरान ख़ान को, महंगाई ये वो एक बंदा है, उसने पीछे जो मामलात हो चुके वो एक बंदा, उसकी नियत अच्छी है, उसने कवर करना है, रिकवर करना है मुश्किलात। जब पाकिस्तान बना था तब कितनी मुश्किलात आई थी, अब हमें याद नहीं है कि कितना मुसलमानों का कत्ले आम हुआ था। इसीलिए हमें अपने मुल्क से बहुत प्यार करना चाहिए, ये हमें बहुत कुर्बानियों के बाद मिला है, हमें बहुत कुर्बानी कह देना आसान काम है। जिसका कोई रिश्ता, करीबी रिश्ता जाता है ना किसी चीज़ में, उसको इस बात का अंदाज़ा होता है। मेरे घर में पहली डेथ हुई थी मेरे अब्बू जी की, और यकीन माने मुझे तब अंदाज़ा हुआ कि एक अपने प्यारे को, अपने से जुड़े खून के रिश्ते को खोना क्या होता है। हमें बाकियों को अपनी जगह पे रख के सोचना चाहिए, हमें अपने घर में काम करने वाले लोगों के लिए ख्याल करना चाहिए। अल्लाह ने जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि जो तुम अपने लिए पसंद करो वही बाकियों के लिए करो। हमारी जनरेशन में जेलसी बहुत बढ़ रही है, हसद बढ़ रहा है कि वो बढ़ रहा है, वो मुझसे ज़्यादा पढ़ रहा है, वो मुझसे ज़्यादा कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह करो, जो तुम्हारे पास है उस पर अल्लाह ताला का शुक्र करो, अल्लाह ताला तुम्हें इतना अता करेगा कि तुम्हारी सोच से भी बढ़ के। अच्छी नीयत से कोशिश करो, ठीक है, डर को साइड पे रख के अच्छी नीयत से पॉजिटिव वे में कोशिश करो, और बेशक अल्लाह ताला देखने वाला है, सुनने वाला है, और तुम्हारी कोशिश का वो जवाब ज़रूर देगा। तो और मैंने एक नोट बनाया, आज ही बनाया, हमारे 365 डेज़ होते हैं, ठीक है, तो अगर हम डेली भी एक नया लफ्ज़ सीखें, नई चीज़ सीखें, तो सपोज़ हमारा जैसे मेरा सेमेस्टर का स्टार्ट है, तो बहुत सारे बच्चों के बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करें। जैसे किसी का CSS करने का होता है, तो ज़्यादातर आई थिंक CSS की तरफ मैंने जो सुना है, तो उसके लिए नॉलेज बहुत चाहिए होता है। मैं सीरियसली कह रही हूँ, अगर आप BS अपने BS को अच्छे से पढ़ लें, आपको बाद में अकेडमीज़ की जरूरत है, BS में इतनी इन्फॉर्मेशन ले लें, अपनी लाइब्रेरीज़ में जाएं, सिर्फ ये नहीं कि पढ़ने के लिए, जब आप फ्री हो अपनी लाइब्रेरी में जाके देखें, न्यूज़पेपर उर्दू में पढ़ें, बहुत सिंपल है। न्यूज़पेपर रियली देखने में एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ लगती है, बट वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो हम जो खबरें मीडिया पे सुन रहे होते हैं वो वहाँ पे लिखी होती हैं, बस एक पढ़ने का तरीका है। एक दफ़ा हम स्टार्ट कर देंगे उसका भी इंसान आदी हो जाए, इंसान बहुत फ्लेक्सिबल है। आई बिलीव इंसान